I give my own life in your hands. तो सबसे तबरेजी न शुद्ध, तो जब मौलाना रूम, जब दामने शम्स तबरेज, जब हाथ में आया उनके, तो जब वो बने मौला, तो इन दामन क्या बने? मौला. That is a great position of मौला. When he got the दामन of Hazrat Shams Tabrez. अली को अली नहीं कहा बल्कि अली मौला. मौला अली मुश्किल कुशा. मौला अली वाय से मौला. ये also वली का मजदर मौला है. The meaning of वली, तो उसके जो असल शक्ल है वो मौला है. तो जब शम्स तबरेज दामने पीर का थाम लेते हैं, तो जब वो मौलवी से मौला बने, एक मर्तबा पूछा शम्स तबरेज से मौलाना रूम ने कि शम्स तबरेज, मैं आपके साथ 25 साल से हूं. One time I don't see in your handbook. मैं 25 साल तुम्हारे साथ गुजारा मैंने, लेकिन कोई दिन मैंने आपके हाथ में कोई किताब नहीं देखी. For 25 years I've been with you, but I never one time I see in your handbook something. तो जब शम्स तबरेज ने कहा यही तुम में मुझ में फर्क है कि तुम किताबों से तुमने पी और हमने नजर से पी. हजरत शम्स तबरेज आंसर्ड दैट व्हाट यू हैव सीन इन बुक्स आई हैव सीन इन नजर. तो एहसान का यही तर्जमा है, मन एहसान या रसूल अल्लाह अंताबुदुल्लाह कान्नक तराऊ फिल्म तराऊ, कि ऐसी इबादत करके गोया तुझे खुदा देख रहा है. यू कांट से अल्लाह सुबह पर अल्लाह सुबह तरसी सच इबादत, तू अल्लाह को देख नहीं सकता. यू कांट से अल्लाह ताला सीज यू तसव्वुफ, दैट इज तसव्वुफ, द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ. यू अंडरस्टैंड, ये है मकाम तसव्वुफ. तो ये जो समझ जाए सब कुछ समझ जाए. If you understand this, you will understand most of the things. So, ये है जिद नामुम हुदा. कुरान से जिद नामुम हुदा, हमने उनकी हिदायत में ज्यादा कर दिया है, हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया. किसके किसकी हिदायत? जो हमारे दिलों के करीब है. वरबत नाहुम अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों को हमने अपने से ताल्लुक वाला दिल बना दिया. The hearts of those with a great in the zikr have become closer to Allah Ta'ala. तो बतना हूँ माला करो भी उनके दिलों को हमने अपना करीब वाला दिल बना दिया. तो ये बिकम नियर. ये कुरान और हदीस से तसव्वुफ साबित है. इट्स प्रूवन प्रूफ ऑफ कुरान है हदीस. नो, इनकार कोई नहीं कर सकता इसको. Nobody can contest this. जो इनकार करे वो मुशरिक है. Those that want to contest will become मुशरिक. आमाल से आलिम बना, तसव्वुफ से वली बना. आमाल जो इनकार करा वो काफिर बना, वहाबी बना. इनकार करने से कुछ नहीं जानते. तो सिरात मुस्तकीम यही है. जो अपने आप को पहचाना, मन अरफा नफ्सो फकर अरफा रबी, ने अल्लाह को पहचाना. जो अपने नफ्स को पहचाना वो अपने रब को पहचाना. और दिल को रब के करीब करने का नाम ये है ईमान. ईमान है क्या? अपने दिलों को रब से करीब करने का नाम ईमान है. That means iman. और तसव्वुफ का क्या मतलब? You see his face, he see your face. तो ये है तसव्वुफ. To make तसव्वुर, to see your Murshid's face and he sees your face, that means तसव्वुफ. ये मकाम है अदब. That is the platform of अदब. और अल्लाह ताला ने तसव्वुफ वालों की
दिलों को ऐसा दिल बनाया है. अल्लाह मेक द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ तसव्वुर. अल्लाह ताला तसव्वुर वालों के दिलों का मकाम इतना बुलंद फरमाया है. ये भी फरमाया कि ईमान वाले का दिल जो है कल्बुल मोमिनीन अरशिल्लाह, कि मोमिन का दिल क्या है, अर्श अजीम है. बल्कि अर्श अजीम से बढ़कर जो मकाम है वो ईमान वाले का मकाम है. अच्छा, रब ताला सारे कुरान में जिसके साथ गुफ्तगू फरमाया, इन द होल ऑफ द कुरान अल्लाह ताला किसके साथ बात करता है कुरान में, इसे ऑल सरकार मदीना, टॉक ऑल सरकार मदीना. तो अल्लाह ताला जब तक अपने नबी से बात ना करे बंदों को कोई जवाब नहीं मिलता. अंतिम सत्ताय अल्लाह ताला इसमें स्पोकन टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बंदा. अल्लाह ताला जब तक अपने नबी से बात ना कर ले बंदों से कुछ नहीं कहता. फिर बंदे की क्या मजाल कि वो मुस्तफा की बारगाह में ना पहुंच के अल्लाह की बारगाह से मांगे. वाई यू आस्क यू कैन गो डायरेक्ट यू अल्लाह ताला विदाउट सरकार मदीना ही डोंट गिव एनी बंदा आंसर. देन वाई यू गो डायरेक्ट अल्लाह सुभानहू ताला एंड यू आस्क देयर क्वेश्चन. तो अल्लाह ताला खुद जो है अपने हबीब से पूछकर बंदों को तकसीम कर रहा है. तो तेरी क्या मजाल के तू रब की बारगाह में सरकार का बगैर वसीला लिए मांग रहा है, क्या तू अल्लाह से बड़ा हो गया. तो बंदा जो है जब ईमान वाले का दिल अर्श अजीम से बुलंद होता है. वो वाक्य आपको याद है जुनैद बगदादी का. जुनैद बगदादी एक शख्स था उनके जमाने में. दैट टाइम हजरत जुनैद बगदादी टाइम नहीं, एक ऐसी आसमान को देख रहा हूं इन हेवन, हेवन आई सी इन माय ड्रीम इन माय ऑन द हेड ओनली सर पर. तो इंसान की फितरत है कि जब कोई अच्छा ख्वाब देखता है तो सबसे वो कहना फिरता है. सो व्हेन ही सीज अ ड्रीम ही टेल्स एवरीबॉडी अबाउट द ड्रीम. तो ये सबको पूछने लगा है इसका इसकी ताबीर के बारे में. ही वाज आस्किंग एवरीबॉडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. इस ताबीर ही आस आई सी ड्रीम आसमान को देख रहा हूं तो इसकी ताबीर क्या है. तो सबने कहा कि बोले वी डोंट गिव दिस नो इजी आंसर. वी कांट गिव दिस आंसर. यू गो दैट टाइम जुनैद बगदादी दैट प्रेजेंट गौदू आज जो हासिल गौदू हजरत जुनैद बगदादी एंड आस्किंग आंसर. तो वो शख्स जो है जुनैद बगदादी को पूछने के बहाने उनके पास चला गया. इवेंट हजरत जुनैद जब वो गया जुनैद बगदादी के पास तो देखा कि उनका घर है और बाहर सारे लोग बहुत लोग जमे हुए हैं. सो वी वेंट देयर सो हाउ लॉट ऑफ पीपल कॉन्ग्रेगेटेड देयर स्टैंड देयर ही आस्क्ड वे जुनैद बगदादी ही वाज आस्किंग वे ही जुनैद बगदादी बोले इनका इंतकाल हो गया. इंतकाल ही डाइड ये पास था जी. इंतकाल हुआ मालूम हुआ तो जरा मायूस हो गया. सो ही वाज वेरी ग्रीव स्ट्रिकन व्हेन ही हर्ड दैट. और मायूस होकर जो है जब वापस जा रहा था तो एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि आज जो भी हजरत जुनैद बगदादी के साथ जनाजे में जाएगा वो अपना मकाम जन्नत में पाएगा. सो एज ही वाज गोइंग बैक दी दे वर अनाउंसिंग दैट हूएवर इज गोइंग टू अटेंड द जनाजा ऑफ हजरत जुनैद बगदादी ही विल गो टू जन्नत. तो ये शख्स सुना कोविड जनाजा. सो यू राधा विन विद जनाजा जनाजा जनाजे के साथ जाता है ये गौ मुदर जनाजा. तो सिरुल असरार और कई ऐसी किताबें असरारुल औलिया इसमें टॉपिक जिक्र कि वो शख्स जनाजे के जो डोला होता है कातल होते जनाजा कातल होते हैं इंग्लिश में
वीर वीर कह रहे जनाजे मैयत को लिटा सब वीर। तो ये शख्स अपना सर